हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 6 साइंस। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, हमारे चैप्टर नंबर 4 के हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में लिखने हैं, साफ साफ हैंड राइटिंग में, जो मैं पीडीएफ बना के भेजूंगी उसमें से देख के। चले यहाँ पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के क्लासिफिकेशन की क्या एडवांटेजेस होती है, यानी कि उसका क्या लाभ होता है, क्या महत्व होता है कि हम चीजों को वर्गीकृत कर देते हैं, क्यों करना चाहिए हमें। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है। इट हेल्प्स इन सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक तो इससे हमें जो जो भी वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, उनकी सिस्टेमेटिक स्टडी करने में हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग यानी पहचानना, एंड लोकेटिंग थिंग्स, और वो चीज कहाँ पर रखी हुई है उसको ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करने में और चीजों को उसका स्थान पता करने में सहायता करती है, हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इसके अलावा ये हमें उस ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताते हैं, हेल्प करते हैं कि भाई इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो वो चीजें हमें जानने में सहायता मिलती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि दोनों को बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। देखिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू हम चीजों को आर पार और इजीली, मतलब क्लियरली देख सकते हैं, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल ग्लास, आपको पता है कांच के हम चीजों में से, जो भी कांच के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से आर पार बहुत क्लियरली दिखाई देता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देखिए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स पार्शियली, यानी कि हमें उसमें से दिखाई तो देता है उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर से, लेकिन धुंधला धुंधला, आधा, पूरे तरीके से, मतलब क्लियरली नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में बटर पेपर, टिश्यू पेपर एटसेट्रा, आप लोगों ने देखा भी होगा बटर पेपर में से हम क्लियरली नहीं देख सकते, लेकिन आधा अधूरा धुंधला सा हमें दिखाई देता है, इसी प्रकार टिश्यू पेपर में से भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ये बी पार्ट है, What is meant by opaqueness? Opaqueness क्या होती है? Give two examples of opaque substances. और दो opaque substances के या objects के हमें दो example भी देने हैं। तो यहाँ देखिए, the materials through which we cannot see the objects. मतलब जिन objects में से हम कुछ भी नहीं देख सकते, ना partially देख सकते हैं, ना clearly कुछ नहीं देख सकते, तो they are called opaque materials. ऐसे objects को क्या कहते हैं, ओपेक मटेरियल या ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड ओपेकनेस, इसे ओपेकनेस कहा जाता है। तो इसके दो एग्जांपल भी देने हैं हमें, कि दो ओपेक सब्सटेंसेस के हमें एग्जांपल बताने हैं। तो इसमें एग्जांपल दे देंगे हम मेटल्स यानी कि धातुएं,
और वुड है ना, लकड़ी। तो इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप कोई वॉल लिख सकते हो, स्टोन लिख सकते हो, तो मैनी एग्जाम्पल्स है। तो मैंने यहाँ पर मेटल्स और वुड का एग्जाम्पल दिया है। चले आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, व्हाट आर द मिसिबल एंड इनमिसिबल सब्सटेंसेस। हमें मिसिबल और इनमिसिबल सब्सटेंसेस में डिफरेंस बताना है क्या होता है। मिसिबल सब्सटेंसेस में देखिए, लिक्विड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, ऐसे लिक्विड जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड्स को क्या कहते हैं, मिसिबल सब्सटेंसेस। और इनमिसिबल लिक्विड्स दैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर, जो लिक्विड वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते। इनमिसिबल देखिए, लिक्विड्स मिक्स वेल एंड कम्प्लीटली डिसअपीयर इन वाटर। इसमें मिसिबल में क्या होता है कि जो भी लिक्विड हम मिलाते हैं इसके अंदर, वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है और एक डिसअपीयर हो जाता है, घुल जाता है पूरी तरीके से। लेकिन इनविजिबल में लिक्विड डू नॉट मिक्स, लिक्विड मिक्स नहीं होता, एंड आर विजिबल एज सेपरेट लिक्विड, एक अलग लिक्विड की तरह वो सेपरेट अलग से दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट देखिए, लिक्विड एंड वॉटर अपीयर एज वन लिक्विड। मिसिबल में क्या होता है कि जब वो मिल जाता है, बिल्कुल डिजोल्व हो जाता है, तो वो एक ही लिक्विड जैसा लगने लगता है। आप लोगों ने देखा भी होगा लेमन जूस इन वाटर, जब हम लेमन जूस बनाते हैं तो वो वाटर के अंदर बिल्कुल कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है और एक ही लिक्विड लगता है। लेकिन इनमिसिबल में क्या होता है, लिक्विड और वाटर, लिक्विड एंड वाटर फॉर्म डिस्टिंक्ट लेयर। लिक्विड और जो वाटर है वो उनकी एक अलग से, दोनों की अलग लेयर बन जाती है। तो ऐसा आप लोगों ने देखा था मस्टर्ड ऑयल में, है ना, मस्टर्ड ऑयल इन वाटर। तो जब हम वाटर के ऊपर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालते हैं, तो उसके ऊपर एक अलग से लेयर बन जाती है। तो ये दोनों हो गए मिसिबल एंड इनमिसिबल। अब आगे देखिए, इसका बी पार्ट है, यू आर गिवन ए फ्लो फ्यू ऑब्जेक्ट्स, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, फाइंड आउट इफ दे विल फ्लोट और सिंक। तो आप लोगों को इनमें से बताना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं यानी कि तैरते हैं, और कौन कौन से सिंक होते हैं यानी कि डूब जाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, तो हम इनको भी अलग अलग कर लेंगे। एक साइड फ्लोट लिख लेंगे, एक साइड सिंक लिख लेंगे, कि यहाँ पर लिख देंगे जो जो फ्लोट करते हैं, जैसे कि फोम है तो फोम फ्लोट करेगी, स्पंज वो भी फ्लोट करेगा, वुड्स लकड़ियों का लट्ठा जो होता है वो भी जो है तैरेगा, है ना, फ्लोट करेगा। ए टॉय, देखो टॉय जो है अगर हल्का है यानी कि लाइट है, तो वो सिंक करेगा, सॉरी वो फ्लोट करेगा, लेकिन अगर टॉय हैवी है तो वो जो है सिंक हो जाएगा। फिलहाल मैंने इसको सिंक में डाल दिया है ना, डूबेगा, यानी कि हैवी टॉय है हमारे पास। यहाँ पर कैंडल देखिए, कैंडल भी हमारी क्या होगी, जो है सिंक हो जाएगी। ऑयल क्या होगा, फ्लोट होगा। ड्राइड लीव और टी लीव्स, जो सूखी पत्तियां होती हैं चाय की, वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी फ्लोट करेंगी। कॉटन बॉल्स सॉक्ड इन वाटर, एक कॉटन की बॉल है या कॉटन लो थोड़ा सा, उसको पानी में भिगो के देखो और पानी में डाल के देखो, फिर वो क्या होगा, जो है डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। खाली कॉटन, सूखी कॉटन अगर डालोगे तो वो फ्लोट करेगी, लेकिन भिगो कर डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाती है। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके,